चलिए स्टूडेंट, तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो है आपके बीकॉम फाइनल ईयर। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं फाइनल ईयर में, आपका सेमेस्टर 5। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपका ये बीकॉम फाइनल ईयर है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका सेमेस्टर 1 हुआ, सेमेस्टर 2 हुआ, सेमेस्टर 3 हुआ, सेमेस्टर 4 हुआ। ये आपका 1 साल था और ये आपका 2 साल था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में आ चुके हो आप। समझिएगा बात को। अगर आपके सेमेस्टर में किसी एग्जाम में भी आप रह जाते थे, किसी एग्जाम में भी, तो आपके पास ऑप्शन था कि आप उसको तीसरे सेमेस्टर में कवर अप कर लेते। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में किसी में भी रह जाते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे चौथे सेमेस्टर में कवर अप कर सकते हो। अगर आप तीसरे सेमेस्टर में किसी में रह जाते हो तो ऑप्शन है कि पांचवे में कवर अप कर सकते हो, और चौथे या दूसरे किसी में रहते हो तो सेमेस्टर 5-6 में कवर अप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेमेस्टर 6 के अंदर किसी भी पेपर में रहते हो तो ये पेपर आपका 1 ईयर पूरा का पूरा वेस्ट कर देगा। 1 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो मैं सेमेस्टर 5 पे इसलिए फोकस करने को भी कह रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग से लेके चलोगे, क्योंकि ये सेमेस्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके एक भी पेपर, क्योंकि ना बहुत सारे आप सभी बच्चों का, किसी का सीए का प्लानिंग होगा, किसी का सीएस का प्लानिंग होगा, किसी का सीएमए का प्लानिंग होगा, किसी का एमबीए का प्लानिंग होगा, किसी का यूपीएससी का प्लानिंग होगा, किसी का बीएड का प्लानिंग होगा, किसी का एमकॉम का प्लानिंग होगा, तो हर किसी का प्लानिंग है। वो सारे प्लानिंग आपके बर्बाद हो जाएगी। तो सेमेस्टर 5 में जिस बच्चे का पीछे का कोई बैक ईआर रहता है उसको भी क्लियर करना मैंडेटरी है, एक पेपर भी नहीं छूटना चाहिए। और आप सेमेस्टर 5 में, आपको मैं कहूंगा प्रॉपर टाइम मिला, पूरे 6 महीने मिल रहे हैं, प्रॉपर 6 महीने। लेकिन मैं, जितने पुराने बच्चे थे मेरे पास या फिर जो कॉलिंग वाली टीम है, कॉल करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनका कहना है अभी तो पेपर दिया है, अभी तो टाइम है, अभी तो कर लेंगे। उनके हर किसी के अपने अपने हैं। 2 साल आपने नहीं पढ़ाई करी कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे साल, जैसे आपने अगर 9वीं में पढ़ाई नहीं करी, 8वीं में पढ़ाई नहीं करी, लेकिन 10वीं में करना है, सेम आपने 11वीं में अगर कुछ थोड़ी बहुत चूक छोड़ दी, लेकिन 12वीं में चूक नहीं छोड़ सकते, तो सेम इसी तरीके से अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में अगर आपने नहीं करा ठीक से तो फाइनल ईयर में तो करना ही करना है। और दूसरा, अगर आपके 50% नहीं बने कॉलेज के अंदर, 50%, तो आपको दोबारा ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप अपने आप को फेल ही मान के चलो, क्योंकि अगर आपके 50% नहीं बनते हैं तो आप कोई भी बेटर, जिसे बोलते हैं ना कि जो आपके डिजायरेबल होगा, ना बीएड कर सकते हैं, ना एमबीए कर सकते हैं, ना सीए कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऐसे कोर्सेस है जिसमें आपको अलाउड ही नहीं है, एनएलबी वगैरह कहीं अलाउड नहीं है। तो दो प्रेशराइज आपके ऊपर, एक तो भैया 50% लाना है, दूसरा आपका सेमेस्टर में कोई ईआर नहीं आना चाहिए। तो सेमेस्टर 5 का मैंने क्लासेस तो स्टार्ट कर दिया और यूट्यूब पे भी मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ। तो सेमेस्टर 5 का जो हम, तो वैसे तो अलग है सब्जेक्ट कितने, मैं ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों बच्चों के लिए बोलूंगा, ऑनर्स का बच्चा हो प्रोग्राम का बच्चा हो। मेजरली जो हम यूट्यूब पे क्लास डाल रहे हैं, एक तो हम डाल रहे हैं FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक इकोनॉमिक्स और एक मैनेजमेंट अकाउंट बेसिकली, और एक बिजनेस स्टैट्स। ये 4 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं। और पांचवा सब्जेक्ट सेमेस्टर जो होता है ना, आपका सभी सेमेस्टर से आसान होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको, अगर जो बच्चा कैट की तैयारी करना चाहता है उसे अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है वो अभी से ही करेगा। ज्यादातर बच्चे फेल इसलिए हो जाते हैं अपने गोल को अचीव करने में, क्योंकि वो वेट करते हैं कि हमारा जो गोल है वो रिजल्ट के बाद होगा। सर, गोल कभी भी ना
रिजल्ट के बाद नहीं होता, गोल ऑलवेज हमेशा याद रखना, जिस दिन आपने सोचा उसी दिन से उस गोल को अचीवमेंट करने की आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन हमने सोच तो लिया कि हम बनेंगे चार्टेड अकाउंटेंट, लेकिन फिर बोलेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद ही तो पढ़ना है। नहीं सर, अभी से ही आपको उसकी तैयारी में लग जाना है। और नए कोर्स आ रहे हैं चार्टेड अकाउंटेंट के अंदर, उसके अंदर बड़ी अच्छी अमेंडमेंट डाली है कि आपकी आर्टिकलशिप भी कम कर दी और जल्दी चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो, पेपर भी रिड्यूस कर दिया गया उसके अंदर, 1 तारीख को प्रॉपर क्लियरिटी आ जाएगा। अब यूपीएससी करना है तो आप सोचोगे कि सर आप सिंपल सी बात है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद 3 साल आप वेट नहीं करोगे। एक ऐसा समय होता है ना आपके लाइफ में आफ्टर ग्रेजुएशन कि आपको धक्के मारने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा चारों तरफ, अब तो ग्रेजुएट हो गए यार, अब क्या करें, खत्म सारा ऑप्शन। उस टाइम पे ना तो आपको पेरेंट्स अलाउड करेंगे कि स्पैम पीरियड 3 साल घर बैठ के काम कर लो, और ना ही आपका मन अलाउड करेगा कि भैया 3 साल खाली बैठ के काम कर लो। इसलिए अभी जो भी आपका गोल है अभी से तैयारी करो। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी वीडियो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया है, और साथ के साथ आपकी क्लासेस भी लाइव स्टार्ट हो गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। मैंने पहले ये यूनिट स्टार्ट किया है यूनिट 5, और यूनिट 5 के अंदर टोटल 4 चैप्टर है सर आपके। एक आपका वर्किंग कैपिटल, फिर से एक और वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, फिर 5 है बेसिकली, एक वर्किंग कैपिटल कह लो, एक रिसीवेबल मैनेजमेंट कह लो, एक कैश मैनेजमेंट कह लो, एक इन्वेंटरी कह लो, ये 5 चैप्टर है। 5 में से हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए वर्किंग कैपिटल के पॉइंट के, वो फिनिश हो चुके हैं। और इस बार का जो हमारा प्लानिंग है ना 10 ईयर के, हमने पिछली बार लाइव क्लास में सारे क्वेश्चंस कराए थे, तो 10 ईयर अभी जैसे मार्केट में आप देखोगे तो 10 ईयर अभी आने में टाइम है। सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है, जो भी एडिट होगा एडिट होके आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। मैं इस बार बुक प्योरली फॉलो कर रहा हूँ कि बुक के सारे क्वेश्चन हो। लास्ट टाइम पे ना जब बच्चे पूछते हैं कि सर 10 दिन में कुछ बता दो ऐसे टॉपिक्स जो पास हो जाए, तो पॉसिबल 5th सेमेस्टर में तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है बताना, क्योंकि 4th में हम बता देते हैं कि चलो नहीं हुआ तो अगला 6th में संभाल लेगा बच्चा, लेकिन 5th में मैं बोलूंगा भैया कुछ नहीं होगा, अब आपको जैसे करना है कर सकते हो। तो अभी से आप स्टार्ट करोगे, इनके 2 टेस्ट भी हो गए, टेस्ट के रिजल्ट काफी बच्चों के अच्छे आए कि 15 में से बच्चों ने 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर ऐसे स्कोर किया है टेस्ट के अंदर की मैं बात करूं तो। टेस्ट का स्कोर भी जो रहा है वो काफी बेटर रहा है, बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है। तो मैंने इस बार डिसाइड कर लिया है कि 6 महीने है, मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा, आराम से 3 दिन की क्लासेस चलेगी। 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं ले रहा, और 1 घंटे की क्लास के अंदर फिर 1 दिन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, और फ्रीली माइंड से सारा काम चल रहा है। क्योंकि 6 महीने, अगर हम एक यूनिट को एक एक महीने में भी धीरे धीरे खत्म करेंगे तो हमारा 5 महीने में पूरा सिलेबस डन हो जाएगा, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल डन हो चुका है, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, पुरानी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें सिलेबस क्या है उसके आपको पता चल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सेकंड थिंग सर, मेरा जो यूट्यूब पे क्लासेस है डल रही है, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, देख सकते हो। जो बच्चा लाइव ज्वाइन होना चाहता है लाइव भी ज्वाइन हो सकता है, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है, इसकी सारी जानकारी के लाइव क्लासेस कैसे होंगी नहीं होंगी सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, क्या प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, टेस्ट कंडक्ट क्या होगा। दूसरा बिग अनाउंसमेंट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं लाइव क्लास टेस्ट वाला जो सीरीज है ना, टेस्ट मैं यूट्यूब पे भी लेके आ रहा हूँ। आपके यूट्यूब पे टेस्ट होंगे, कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूंगा, टाइमिंग पहले अनाउंसमेंट कर दूंगा, लेकिन चेक करके रिवर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके नेक्स्ट डे मैं उसके आंसर वहां पे रिवील कर दूंगा, जिससे आप अपने आंसर को चेक कर पाओ। क्योंकि लाइव वाले बच्चे तो एप्लीकेशन में फीचर है कि वहीं पे चेक करके हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, और MCQ भी डेली बेसिस पे मैं ले ही रहा हूँ। तो ये ओवरऑल हमारा एक स्ट्रेटेजी था, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप ये मत सोचो कि अभी बहुत टाइम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं करवा रहा हूँ, मुझे टेंशन है कि 5 महीने में पूरा सिलेबस स्लो और बहुत अच्छे से करवाना है, एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। बुक का हर एक इलस्ट्रेशन, बुक का हर एक प्रैक्टिकल, 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं।
अब एग्जाम के अंदर ऐसा होना चाहिए कि, और इनफैक्ट चैप्टर खत्म होने के बाद हम कॉल ले रहे हैं कि पहले हम आपको थ्योरी कराएं, क्योंकि थ्योरी भी साथ साथ चल रही है अब, ठीक है ना। तो आप अगर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से पढ़िए, मैं ये कहूंगा कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। नहीं तो अननेसेसरी के अपने लाइफ के आप 1 से 2 साल खराब करेंगे, और 2 साल का मतलब अगर आप बिल्कुल फोकस करके कर रहे हैं ना, तो मैं मान के चलूँ आज का बच्चा अगर बिल्कुल फोकस है तो 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आराम से ले सकता है। और अगर मैं आपको बोलूँ भाई साहब आप अपने लाइफ के 2 साल खराब कर रहे हैं, तो आप 24 लाख रुपए खराब कर रहे हैं अपने, मेरी सीधी सी बात, आप कैलकुलेटिव करेंगे तो। और उस 24 लाख की अगर आप FD करा देते हैं, तो कितना आपको इंटरेस्ट आना था वो सारा आपका प्लानिंग बर्बाद हो रहा है, और टाइम कभी नहीं रुकने वाला। तो हर एक टाइम की वैल्यू करिए, और टाइम के हिसाब से अभी से स्टार्ट कर दीजिए। स्लो स्टडी विन, सिंपल सी कहानी है। आपने बचपन में कहानी भी सुनी होगी सर, कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ जीत जाता है और खरगोश क्या होता है, हार जाता है। रीजन क्या था सर? उसमें एक मैसेज है बहुत बड़ा। मैसेज क्या है सर? कि कछुआ जो है ना वो धीरे धीरे चल रहा होता है, लेकिन अपने गोल को प्रेडिक्ट करके चलता है कि सर हमें इस गोल तक जाना है, और वो फर्स्ट टाइम से ही अपने गोल को बना लेता है जिस टाइम से स्टार्ट होती है उनकी रेस, कि मुझे वहां पे पहुंचना है, और वो चलता रहता है। लेकिन अगर खरगोश की बात करें, वो सोचता है मैं तो बहुत पहले चला जाऊंगा, जितने वो वहां जाएगा मैं उतने चले जाऊंगा, और यही रीजन था वो हार गया। तो आप इसके अंदर देखोगे तो इस कहानी में बचपन से सुनते आओ, इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है जो आप ग्रेजुएशन वाले बच्चों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है, कि आप सोचते हैं ग्रेजुएट होंगे, रिजल्ट आएगा, तब सब कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप ध्यान रखिए। तो बस मैं आपको इतना ही कहूंगा, सारी चीजें जानकारी, जिनको लाइव क्लास ज्वाइन करना है वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब पे वीडियो आ ही रही है, अब टेस्ट का भी प्रोविजन आपके लिए यूट्यूब पे लेके आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।